हेलो गाइस गाइज माई नमजर पे एंड वेलकम बैक टू द केस स्टडी विद मी आई डोंट नो अबाउट योर स्टेट बट मेरे यहां पे अब ठंड कम होनी शुरू हो गई है होली पास आने वाले सो आई थिंक होली तक पूरी की पूरी ठंड चली जाएगी यहां से व्हिच इज़ कैन सैड टू मी बिकॉज इफ़ यू गाइस हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम यू विल नो दिस थिंग दैट आई जस्ट लव ठंड ठंडियों का सीजन इज जस्ट रियली द नाइसेस्ट इट्स सो कोजी एंड नाइस पर अब केस की बात करते हैं आज का जो केस है इसके बारे में तुम लोगों ने मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स कराए थे एंड आई डिड सी देम पर इस केस में प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी देर वॉज नो कोर्ट हेयरिंग कोर्ट हेरिंग से भी छोड़ो देर वॉज नथिंग सब्सटेंशियल दिस थिंग आई एम नॉट से दिस थिंग कि कोई क्राइम आता था देर इज नॉट सबस्टेंशियल बट यू नो कि कोर्ट से कुछ ओपिनियन ओपिनियन बोल रहा हूँ मैं कोर्ट से कोई जजमेंट नहीं आया कोर्ट से कोई स्टेटमेंट नहीं आया सो आई डि नॉट नो की वॉट टू गो ऑफ ऑफ बिकॉज यूजअली आई डो नॉट रश थ्रू केसेज पर इतने सारे कॉमेंट्स आए थे लास्ट वाली वीडियो में भी सो आई थॉट वो आई डोंट बी जस्ट स्टडी दिस केस अगर इसमें कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं मिलता है तुम लोग कोमेंट तो, क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ होगा तो आई लेट यू गाइज नो थ्रू कॉमेंट्स गौरव राय भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला था उसके पिताजी फौज में थे और माँ घर का काम संभालती थी गौरव का एक बड़ा भाई था और घर में सबसे छोटा होने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेम्पर भी करा गया था पर गौरव बचपन से ही स्मार्ट था वो पढ़ाई में भी हमेशा आगे रहता था स्कूल में जब वो 21 साल का हुआ तो उसने शंकराचार्य महाविद्यालय से एम की पढ़ाई करी स्मार्ट होने के साथ साथ गौरव बहुत ही फ़नी लवेबल और फ्रेंडली इंसान था उसके जितने भी दोस्त थे उन सभी का ये कहना था कि वो हमेशा बस हंसी मज़ाक करते रहता था उन्होंने उनकी पूरी ज़िंदगी में कभी भी गौरव को स्ट्रेस्ड या फिर सैड नहीं देखा था तो एक इतने खुश इंसान के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ थर्टीथ जनवरी 2024 को कि जब वह मॉर्निंग वॉक पे गया तो कभी वापस नहीं लौटा सो सोलान अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड गौरव राय अभी हम लोग एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में क्या था कि गौरव राय के घर में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था उसके बड़े भाई की शादी होने वाली थी जिसके लिए गौरव खुश था पर उसके एग्जाम्स आने वाले थे तो वो अपनी प्रिपरेशन में पूरा का पूरा फोकस था पिछले दो हफ्तों से वो सुबह उठकर बस पढ़ता रहता पढ़ता रहता शाम आठ या साढ़े बजे तक जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ घूमने आता गप्पे मारने जाता और यही चीज़ उसका अब रूटीन बन चुका था सुबह उठो पढ़ो शाम को दोस्तों के साथ जाओ थर्टी जनवरी ट्वेंटी की सुबह के चार बजे गौरव घर से बाहर निकला मॉर्निंग वॉक के लिए आज से पहले वो कभी भी मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गया था लेकिन शायद अपना माइंड फ्रेश करने के लिए उसने वॉक पे जाना सही समझा ऐसा ही उसकी मॉम को भी लगा था उस दिन लेकिन मॉर्निंग वॉक नहीं कितने देर तक करेगा दस पंद्रह मिनट तक और छः बजे तक गौरव घर वापस नहीं आया था तो उसकी मॉम थोड़ी सी बेचैन हुई लेकिन उनके दिल में फिर भी ये आस थी कि शायद से उसके बचपन के दोस्त के घर गया होगा उसके बचपन के दोस्त का नाम था परम तो उन्होंने लगा कि शायद से वो परम के घर गया होगा तो उसकी मॉम ने पहले गौरव को कॉल लगाया गौरव ने कॉल नहीं उठाया फिर उसकी मॉम ने परम को कॉल लगाया और परम ने भी कॉल नहीं उठाया तो अब उनकी बेचैनी बढ़ने लगी थी और फिर वो परम के घर पहुँच गई अपने बेटे को ढूंढते हुए लेकिन वहाँ जाके उन्हें ये चीज़ पता लगी कि गौरव तो कभी परम के घर आया ही नहीं था तो अब परम भी टेंशन में आ गया और गौरव का बड़ा भाई और परम ये दोनों निकल गए गौरव को ढूंढने के लिए आधे घंटे तक ढूंढने के बाद उन्हें गौरव नहीं मिल रहा था कहीं पे भी लेकिन जब ये दोनों थोड़ा सा और आगे गए तो उन्हें एक पुलिस का व्हीकल दिखा तो थिंकिंग कि अगर हम पुलिस वाले को बता दें कि हमारा भाई गायब हो गया सुबह से घर वापस नहीं आया है तो वो हमारी शायद से मदद कर देंगे तो ये दोनों पुलिस वाले के पास गए ये दोनों पुलिस वाले के पास गए उन्होंने उन्हें बताया लेकिन पुलिस वाले ने उनसे कहा कि उन्हें आज सुबह साढ़े पांच बजे रेलवे ट्रैक पर एक बीस इक्कीस साल के लड़के की बॉडी मिली है अगर तुम लोग चाहो तो तुम इस बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि डिस्क्रिप्शन तुम्हारे भाई से मैच हो रहा था यहाँ पर ना ऑफकोर्स ये बात अगर कोई दोस्त कोई भाई ये चीज़ सुनेगा तो उनके दे विल नॉट थिंक दे विल प्रॉबली थिंक मे बी ये मेरा भाई नहीं होगा है ना श्योरली ये ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन गौरव की फैमिली और उसका दोस्त जब ये बॉडी आइडेंटिफाई करने पहुंची तो उनके होश उड़ गए थे उनके सामने उनके बेटे की लाश थी जो जगह जगह से कटी हुई थी और उन्हें इस चीज का यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है गौरव की फैमिली तो शौक में थी लेकिन उनके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि आखिर कौन गौरव की जान का दुश्मन हो सकता है उसकी फैमिली ने गौरव की बॉडी तो देखी थी लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी कि ये आत्महत्या है उन्हें ये चीज़ नहीं था कि इस आत्महत्या के पीछे एक आदमी का नहीं बल्कि तीन तीन लोगों का हाथ था हुमा फिजा और मजहार गौरव अब इस दुनिया में नहीं था वो मर चुका था और उसकी जान के पीछे तीन लोग थे लेकिन मरने से पहले गौरव ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा रो रहा था ही व स्ट्रेस्ड एंड वो कुछ कहना चाहता था और बार बार अपनी सिचुएशन समझाते हुए वो इन्हीं तीन लोगों का नाम ले रहा था हुमा फ़िज़ा और मज़हार पर आखिर ये तीनों है कौन हुमा वॉज़ गौरव गर्लफ्रेंड हुमा गौरव के कॉलेज में ही पढ़ती थी और पिछले चार सालों से ये दोनों एक रिलेशनशिप में थे शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था लेकिन गौरव को हुमा के बारे में एक चीज पता नहीं थी हुमा ने गौरव और उसके चार साल के रिलेशनशिप के बीच में उस पर कहीं बार चीट करा था पहले ये चीज गौरव को पता नहीं थी दैट्स ही वॉज स्टिल इन रिलेशनशिप विद हर पर धीरे धीरे करते करते उससे सब कुछ पता चल गया हुमा के बारे में गौरव ने इनफैक्ट कहीं बार खुद हुमा को चीट करते हुए पकड़ा था उस उसपे अलेजेडली हुमा के कई सारे लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशन थे जिनमें से एक लड़के का नाम था आर्यन जो हुमा और गौरव के कॉलेज में ही पढ़ता था हुमा गौरव से झूठ बोलकर अक्सर आर्यन के पीजी में जाया करती थी ऐसी ही एक बार जब वो आर्यन के साथ थी तब गौरव ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था जैसे कि मैंने कहा कि गौरव ने कई बार हुमा को उस पर चीट करते हुए पकड़ा था और वो हर बार उसे समझाता भी था कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग हम दोनों एक साथ हैं ये चीज़ तुम्हारा करना गलत है और जब भी वो उसे समझाता हुमा को ये चीज़ समझाता तो उस टाइम पर हुमा उसकी बात मान भी जाती है और अपनी गलती मान भी लेती थी वो गौरव से माफ़ी मांगती उसके साथ ढंग से रहती एक दो हफ्ते तक और फिर वापस उसी पैटर्न में आ जाती थी वापस उस पर चीट करती थी अरे नो वाय गौरव और हुमा ने ब्रेकअप क्यों नहीं कर रहा इस रिलेशनशिप से बिकॉज वन पर्सन इन दिस रिलेशनशिप वॉज एन लॉयल एट ऑल पर जब गौरव ने हुमा और आर्यन को दोबारा एक साथ देखा आई थिंक उसका पेशेंस उस समय ख़त्म हो चुका था और उसने हुमा को दो बार थप्पड़ मारा जिसकी वजह से हुमा की आंख के ऊपर चोट आ गई थी तो अब इन दोनों की प्रॉपर लड़ाई हो गई थी बट एन अगेन सेम थिंग हैपन कुछ दिनों बाद ये दोनों वापस नॉर्मल हो गए थे देवर अगेन टुगेदर पर फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद हुमा के भाई ने गौरव और हुमा को उसकी गाड़ी में देख लिया था पेट्रोल पंप पर और हुमा के घर में ये चीज़ पता नहीं थी कि वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में है नो एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू एक्सेप्ट उसके भाई और बहन के ये चीज़ किसी को भी नहीं पता थी एंड शी डि नॉट वॉन्ट कि उसकी फैमिली मेम्बर्स को ये चीज़ पता भी चले फिज़ा जो हुमा की बड़ी बहन है उसने हुमा को दो तीन बार गौरव के साथ बात करते हुए पकड़ लिया था और उसने हुमा को वार्न किया था कि वो गौरव से दूर रहे और उस दिन पेट्रोल पंप पे दोनों को साथ में देखने के बाद हुमा के भाई ने घर पे बता दिया कि हुमा अब भी गौरव से मिलती है आउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर कोई लड़की घर में प्रॉब्लम है किसी लड़के के साथ डेट करने पे और उसका भाई उसे देख ले किसी और लड़के के साथ तो कितना ज़्यादा इशू हो सकता है तो घर जाने के बाद हुमा की बहन फिज़ा ने उसे कन्फ्रंट करा कि तुमने हमसे कहा था कि तू किसी लड़के के साथ नहीं है और फिर भी हमने तुझे दोबारा गौरव के साथ देखा था तो अपने आप को बचाने के लिए हुमा ने क्या करा उसने अपनी बहन से कहा अपनी फैमिली से कहा कि गौरव और मैंने तीन चार महीने पहले ब्रेकअप कर लिया है पर फिर भी हुमा के घर वालों ने इस बात पे बिलीव नहीं करा बिकॉज दे सॉ हर विद गौरव तो हुमा ने दोबारा से झूठ बोला और इस टाइम पे उसने ऐसा कहा अपनी फैमिली से कि मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी गौरव के साथ गौरव ने मुझे डराया था धमकाया था और अपनी गाड़ी में बैठाया था उसने अपनी फैमिली को यह भी बताया कि गौरव ने मुझे थप्पड़ मारा था उसने छोड़ भी दिखाई अपनी आँख के ऊपर और बड़े कन्वीनियंटली उसने अपनी फैमिली को यह नहीं बताया कि उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा था नाउ हिटिंग अ वूमेन इज दैट अ राइट थिंग ऑफ कोर्स नॉट पर यहाँ पे कॉन्टेक्ट ये है कि ये लड़की हमेशा गौरव पे चीट कर रही थी और एक ना एक पॉइंट ऐसा आना ही था जब गौरव या तो उसे छोड़ देता या फिर ये होना ही था एफ गॉन् टू द पुलिस बट आई थिंक शी न्यू दिस थिंग द शी वॉज रॉन्ग एंड शी वॉज जस्ट यूजिंग गौरव ऑफकोर्स ये मेरा ओपिनियन है शी वॉज जस्ट यूजिंग गौरव और यहाँ पर भी उसने यही करा अपने आप को बचाने के लिए अपनी फैमिली से उसने गौरव के बारे में झूठ बोल दिया ना ऑब्वियसली बात है अगर कोई लड़की अपने घर में बोले कि ये लड़का मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है कहीं पर मेरे को जबरदस्ती इसके साथ रहना पड़ता है तो घर वाले या तो उस लड़के को समझाएंगे या फिर उसे पुलिस के पास दे देंगे बट दिस वॉज सच अ सीरियस एलिगेशन कि हुमा को गौरव ने मारा था इस बात पे उसके भाई बहन ने भी उस पर विश्वास कर लिया था और फिर उन्होंने ये पूरा मैटर अपने हाथों में ले लिया था फिज़ा ने गौरव को कॉल करके पूछा कि तुमने मेरी बहन पर हाथ कैसे उठाया फिज़ा के बॉयफ्रेंड मजहार भी बार बार गौरव को कॉल करने लगा उसे धमकाने लगा नाउ आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वो उसकी बहन है वो उसका भाई है अफकोर्स थी बातों अपनी बहन को बचाने की कोशिश करेंगे लेकिन उनके जो मेथड्स थे उनके जो एक्शंस थे दैट दोज कम्पलीटली रॉन्ग उन्होंने सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुनी उन्होंने सिर्फ हुमा की स्टोरी सुनी उन्होंने दूसरे साइड नॉट सी दर साइड ऑफ द कोइन उन्होंने गौरव की बात सुनी ही नहीं अगर वो गौरव को एक चांस देते उसकी स्टोरी बताने की तो शायद उन्हें पता चल जाता कि उनकी बहन कैसी है और शायद आज गौरव जिंदा होता ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी को मजहर ने गौरव को मिलने के लिए बुलाया गौरव ऑलरेडी डरा हुआ था गौरव मज़हर से मिलने के लिए गया लेकिन साथ ही अपने कुछ दोस्तों को भी लेके गया था वो और उसका ये डिसीजन बिल्कुल सही था क्योंकि मज़र अपने साथ कुछ लोगों को लेके आया था एंड आई थिंक आई डोंट नॉट नीड टू टेल यू गाइज दिस थिंग वो उसे मारने के लिए लेके आया था अपने दोस्तों को नाउ गौरव के दोस्तों को देख के मज़हर ने उसे कुछ करा नहीं उसे मारा भी नहीं उसने बस उसे ये कहा कि आज तू बच गया लेकिन तू कभी ना कभी तो कॉलेज जाएगा कभी ना कभी तो तू कॉलेज में अकेले बाहर आएगा तब जब भी तू मुझे दिखेगा मैं तुझे वहां पर मार दूंगा टिपिकल कॉलेज बॉय थिंग आई डों आई डोंट अंडरस्टैंड ओके ये चीज़ तो हमें नहीं पता है पुलिस को भी नहीं पता है कहीं भी ये चीज नहीं पता है कि कितने दिनों से फिज़ा हुमा और मजहार गौरव को फिजिकली मेंटली टॉर्चर कर रहे थे बार बार कॉल करके या फिर अब यूजिव वर्ड्स बोल के बट इट इज़ जस्ट सो डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट दिस थिंग योर माइलेज मे वेरी बट इट इज जस्ट सो डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट दिस थिंग कि ऑल ऑफ दिस वॉज हैपनिंग बिकॉज़ हुमा लाइड अपने आप को बचाने के लिए उसने गौरव पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था ना वीडियो की शुरुआत से तुम्हें ये चीज़ पता ही चल गई होगी कि गौरव अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन अपने मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाई थी और आत्महत्या करने से पहले गौरव ने अपनी वीडियो में यह भी कहा था कि उसके मरने के बाद अगर हुमा ने उसके ऊपर रेप का भी इल्ज़ाम लगा दे तो उससे ये चीज़ बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं लगेगी ये चीज़ सुन के तुम्हें तो रियलाइज़ तो हो गया होगा कि हुमा अपने आप को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि गौरव के लिए टॉर्चर अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था एंड ही वाज जस्ट बॉटलिंग एवरीथिंग इन उसने ना अपने परिवार में कुछ कहा और ना ही अपने दोस्तों को इस बारे में कुछ बताया थ्रू दिस होल टाइम जब से ये लोग इसे हरास करे थे उसके आस के किसी भी आदमी को ये चीज़ पता नहीं थी कि गौरव के अंदर आखिर क्या चल रहा है बिकॉज अगेन गौरव उस टाइप का आदमी था जो कि हमेशा बस हंसता रहता था हमेशा अपने दोस्तों को हंसाता रहता था बट गौरव अंदर से मर चुका था मरने से पहले की ये है उसकी वीडियो गाय नॉट और जनवरी को गौरव अपने घर से सुबह चार बजे ये कह के निकला कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है उसने एक दिन पहले ही अपनी आत्महत्या की वीडियो बनाई थी जिसे उसने अपने दोस्तों को सेंड की और ट्रेन के सामने कूद के अपनी जान दे दी उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली को उसकी वीडियो देखने के बाद ये पता चला कि गौरव की लाइफ में आखिर क्या सब कुछ चल रहा था आई रियली इमेजिन दिस थिंग कि गौरव इट्स सो इज़ी टू से ठीक है बात कर लेता अपने दोस्तों से अपने घर वालों से बात कर लेता लेकिन उसका क्या ट्रॉमा होगा कि द एंड थिंग डेट इज़ सॉ वॉज की अगर मैं बस में मर जाऊँ तभी यह सब कुछ ख़त्म हो सकता है ना बात करने से ना ही शेयर करने से ना हुमा को कुछ समझाने से हुमा फ़िज़ा मसहर तीनों को पुलिस ने अरेस्ट किया लेकिन एलेजली हुमा एक इन्फ्लुएंसियल फैमिली से बिलोंग करती है और गौरव के दोस्तों को ये यकीन है कि वो कुछ महीनों में जेल से बाहर भी आ जाएगी जो सुनने में तो अनफेयर लगता है लेकिन ये हमारे सोसाइटी की सच्चाई है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है चाहे वो बड़ी बड़ी हस्तियों को अपनी शादी में नचवाना हो किसी ने अगर किसी को थप्पड़ मार दिया और उस चीज़ की सीसीटीवी फुटेज हो तो तब भी आदमी बच सकता है उसकी रिपोर्ट हट सकती है या फिर अगर कोई क्राइम कमिट कर दे तो उस आदमी को सज़ा ना हो सब कुछ पैसे से करवाया जा सकता है और गौरव के मरने के बाद गौरव के फ्रेंड्स ने उसके जस्टिस के लिए कैंडल मार्चेस करे और अब देखते हैं कि हुमा फिजा और मजहार को क्या सज़ा मिलती है इसीलिए मैंने ये वीडियो पहले नहीं बनाई क्योंकि उन्हें अभी तक कोई सज़ा मिली ही नहीं है एक्चुअली बट अगेन अगर कोई भी अपडेट आता है इस केस में या फिर ये तीनों बाहर निकल जाते हैं तो आई विल अपडेट यू इन द कामेंट्स पेंट कॉमेंट कॉमें में अपडेट कर दूंगा तुम्हें बट वीडियो खत्म करने से पहले मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे कॉन्टैक्ट में तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त हो जिसका नॉर्मल बिहेवियर से अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो जाए तो देन गो टॉक टू दैट यू नेवर नो दिस थिंग कि कौन सा आदमी किस चीज़ से गुजार रहा है किसकी टॉलरेंस कितनी होती है यू नेवर नो दैट थिंग अपने दोस्तों को अपने परिवार वालों को अपने पास वालों को ये हमेशा याद दिलाओ दैट दे आर नेवर अलोन, यू आर नेवर अलोन। पर इसी के साथ गौरव राय का केस अभी यहीं पर हॉल्टे है बिफोर यू लीव आई वस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको ट्रू कैम डॉक्यूमेंटरीज देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी बिकॉज I work really hard. And again, I'm aiming for 10 million subscribers. So subscribe before that thing. But with that, I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please keep your loved ones very close to you guys and I will see you very, very soon. Bye bye.